दोस्तों आज हमारे पास एक अनोखी गाड़ी है। कोई इसे हंटर कहता है, कोई जीप कहता है, कोई कुछ भी कह लेता है, लेकिन जो गाड़ी है उसको देखते ही लोग पहचान जाते हैं। इसकी एक पहचान बनी हुई है और ये केवल और केवल एक तरह से आप कह सकते हैं इसका पर्पज है दिखाने के लिए ही लोग इसे लेते हैं। और रोड प्रेजेंस इसका तगड़ा है, इसमें कोई कमी नहीं है। और इसमें तो आप देखेंगे कि अलग से मॉडिफाइड ट्रैक्टर के थ्रेड वाले टायर्स भी लगे हुए हैं। तो कुछ इस तरह से इसका टायर साइज मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। 17 इंच के जो रिम हैं वो हैं और अलॉय व्हील्स बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे स्टील रिम्स हैं अगर आप अंदर देखें तो। और जो प्रोफाइल है वो कुछ इस तरह की है, यहाँ पे आप पढ़ लीजिए इसे और बाकी देख के आप समझ ही रहे होंगे। बहुत ही ज़्यादा चौड़े टायर्स हैं ये। और देखिए टायर इसमें फिट करने के लिए इसका जो फेंडर है उसे भी, फेंडर तो नहीं बट गार्ड है जो भी है, उसे भी काट दिया गया है, कुछ इस तरह से फिट किया गया है इसको। और इस गाड़ी में दोस्तों चूँकि ये बहुत पहले जीप क्लासिक, एक महिंद्रा क्लासिक आती थी गाड़ी, उससे काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है ये। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसी के ऊपर मॉडिफाई करके और इस गाड़ी को बनाया भी गया है। बाकी तो सब कुछ रीपेंट करके और लिख दिया गया है जीप यहाँ पे, तो जिसके वजह से आप समझ नहीं पाएंगे कि वास्तव में ये कौन सी गाड़ी है। बाकी इसमें अंदर बोलेरो का इंजन लगा हुआ है जो कि 63 BHP और 130 न्यूटन मीटर्स के आसपास पावर और टॉर्क प्रोड्यूस करता है ये। तो कुछ इस तरह की है। और अंदर से केबिन अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देखिए चाबी जो है ये ह्यूंडई की किसी कार की होगी या फिर आफ्टर मार्केट जो लोग चाबी बनाते हैं फ्लिप की उनसे बनवाया गया है और इस प्रकार की है ये। और यहाँ पे जो इंजन है वो मैंने आपको बताया बोलेरो का है। तो कुछ पार्ट्स ये ट्रैक्टर के पहिए लगे हुए, ट्रैक्टर जैसे दिखने वाले, और मतलब एक तरह से आपको लगेगा नहीं कि किस कंपनी की और कौन सी गाड़ी है, ये आप देख के तो नहीं बता पाएंगे किसी भी पार्ट को इसके। तो कुछ इस तरह से लुक है और मेन इसका पर्पज यही होता है, लोग ख़रीदते हैं और ये छतरी उतार के और इसमें आराम से घूमने के लिए कभी कभार शाम वाम को या फिर कोई आपको जाना है कहीं तो उस तरह की चीज़ों में यूज होती है। एग्जॉस्ट यहाँ पे आप देखिए इसका यहाँ से निकलते हुए आ रहा है और नीचे से अगर मैं आपको दिखाऊं तो नहीं दिखा पाऊँगा। और इस तरह का है ये, कुछ इस तरह की इसमें लाइट्स लगी हुई हैं आफ्टर मार्केट और सब कुछ हैलोजन है, यहाँ पे कुछ भी LED वगैरह नहीं है, आप एक्सपेक्ट भी मत करिए। बहुत ही पुरानी गाड़ी है और काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई करके और एक नए अवतार में इसे उतारा गया है। उतारा नहीं गया है बल्कि ये कस्टम बिल्ट होती हैं गाड़ियाँ, कंपनी तो ऐसी गाड़ियाँ नहीं लाती है, आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लोग मॉडिफाई कराते हैं इसमें। ये यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ ये लकड़ी का डेकोरेटिव पार्ट लगा हुआ है और यहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स है या फिर टूल बॉक्स या फिर ग्लव बॉक्स जो भी आपको, ये यही है इसमें एक स्टोरेज एरिया जिसे आप लॉक कर सकते हैं। बाकी तो पूरी गाड़ी ओपन है तो आप कहीं भी कुछ इसमें अपना सामान नहीं रख सकते हैं। पीछे सीट ज़रूर है, यहाँ पे साइड में भी है और पीछे एक बेंच भी है, लेकिन पीछे बैठना तो बिल्कुल इसमें एकदम बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल होगा, एक ट्रैक्टर में बैठने जैसी फीलिंग आएगी आपको, क्योंकि पीछे जो सस्पेंशन है वो भी लीफ स्प्रिंग है, आप देखिए यहाँ पे। तो लीफ स्प्रिंग पे बैठ के भाई यात्रा करना कितना दुखदाई होता है, अगर आपने कभी किया होगा तो आपको पता है। और आगे भी वही लीफ स्प्रिंग्स हैं, तो इसीलिए मैं अभी इसमें जब बैठ के आ रहा था तो राइड क्वालिटी इसकी बहुत ही ज़्यादा बम्पी और बाउंसी है, तो ये फील किया मैंने। हालांकि केबिन काफ़ी साफ़ सुथरा और बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया गया है। और ये सीट आई बिलीव इस गाड़ी की है या नहीं है ये भी अभी कुछ कंफर्म नहीं पता है, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल थी ये वाली सीट, यहीं बैठा था मैं। और ड्राइविंग इसको करना थोड़ा आसान हो गया है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो भी जिसने भी मॉडिफाई कराया है यहाँ पावर स्टीयरिंग लगवा दिया है और ये हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग लगने की वजह से काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है इसको ऑपरेट करना। और ये स्टीयरिंग व्हील देखिए आप, कुछ इस तरह का, ये छोटा सा, मतलब बहुत बड़ा तो नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है, लेकिन हाँ जैसा कार्स में आता है छोटी हैचबैक में वैसा स्टीयरिंग व्हील इसमें लगा हुआ है और इसकी वजह से काफ़ी ईजिली आप ऑपरेट कर पाते हैं इसको। और इस तरह का गियर है, गियर लीवर है, 5-speed वाला है ये। और कुछ इस तरह से इसके ब्रेक पैडल, क्लच और एक्सेलरेटर पैडल आप देख सकते हैं। और यहाँ पे बॉटल होल्डर के नाम पे दो स्टील की गिलास या कप या कोई बर्तन स्टील का लगा हुआ है और जो कि इस तरह से है सेंटर कंसोल में। और यहाँ इसका हैंड ब्रेक है
और ये बस इस तरह से है। सीट बेल्ट इसमें ज़रूर आपको मिलती है फ्रंट के पैसेंजर्स के लिए, दोनों के लिए। और यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको तो स्पीडोमीटर मिल जाता है, और जिसमें ऑडोमीटर भी है आप देख सकते हैं। और यहाँ पे फ्यूल गेज है, और एक ये आपको टेम्परेचर गेज मिल जाती है। बस इतना ही कुछ है इसमें। और हॉर्न एक बार मैं आपको सुनाता हूँ, यहाँ से हॉर्न ऑपरेट होता है, और उसके लिए मुझे लगता है इसको एक बार, गाड़ी ऑन होती है तभी बजेगा दोस्तों, ये नहीं बज रहा है अभी फ़िलहाल। मैं आपको गाड़ी ऑन करके एक बार अभी हॉर्न सुनाऊंगा, और गाड़ी के इंजन का आवाज़ भी आपको सुनवाते हैं। तो दोस्तों अभी देखिए गाड़ी स्टार्ट हो रही है, इंजन का हॉर्न बीच में से थोड़ा रेप करिए। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कंक्लूजन के रूप में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये गाड़ी केवल और केवल दिखाने के लिए अच्छी है। अगर आपको प्रैक्टिकल एक व्हीकल चाहिए फोर व्हीलर, तो आपके लिए नहीं है ये, उसके लिए है जिसके पास पहले से दो तीन गाड़ियाँ हों, और कभी कभार शौक के रूप में या दिखाने के लिए ही वो इससे घूमने निकलना चाहे तो उसके लिए ठीक है। अगर आपको कहीं जल्दी से पहुँचना है तो आप इसमें बहुत तेज स्पीड में नहीं जा सकते हैं, और बढ़िया आपको राइड एंड हैंडलिंग नहीं मिलती है, तो आराम से आप नहीं पहुंचेंगे, थकान आपको ज़्यादा होगी इसमें बैठने पे। सस्पेंशन वगैरह मैंने आपको सब कुछ दिखाया कैसा मिलता है उसकी वजह से, तो इसलिए ये गाड़ी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। बाकी दिखाने के लिए बिल्कुल बहुत ही अच्छी है, बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलता है इसको। हम लोग रोड पर लेके निकले थे, या फिर यहाँ भी खड़ी थी, हम लोग वीडियो शूट कर रहे थे, तो कम से कम 20 लोग यहाँ पे आए और इस गाड़ी को देखना चाह रहे थे। कुछ लोगों ने तो फ़ोटो भी खिंचवाया गाड़ी के साथ। तो ये वाली चीज़ है, अगर आपको इन सब के लिए चाहिए तो आप आराम से इसे ले लीजिए, रखिए, सेकेंड हैंड आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। नया तो ऐसा कुछ कंपनी से आता नहीं है, थार ही है। तो फिलहाल बस इतना ही, यही बताना था आप लोग को, ये गाड़ी दिखानी थी क्योंकि बहुत अच्छी लगती है लुक वाइज। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये वाली गाड़ी कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ बहुत जल्द।